अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इमिग्रेशन के बारे में। लोगों का सवाल है, उनका कहना है, सिर्फ एक ही बात पूछते हैं कि भाई इमिग्रेशन कब चालू होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इमिग्रेशन चालू होने की कब तक चांस है और इमिग्रेशन कब तक चालू होने की उम्मीद है। और लोगों का सवाल है कि मैं सऊदी आने वाला हूं और सऊदी में आने के लिए एज कितना होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑन करके ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन रहेगा आपको मिल सकेगा। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जो लोग बोलते हैं कि भाई इमिग्रेशन चालू है, बहुत लोग का सवाल आता है, कमेंट आता है कि भाई इमिग्रेशन चालू है। तो जो लोग आपको बोलते हैं कि इमिग्रेशन चालू है, तो आप उनसे कह दीजिए कि भाई इमिग्रेशन चालू है तो आप हमारा इमिग्रेशन करा दीजिए, लेकिन पैसे मैं तभी दूंगा जब आप हमारा काम पूरा करा देंगे। तब आप हमारा काम करा दीजिए और टिकट हमारे हाथ में दे दीजिए, आपको पैसे मैं तुरंत दूंगा। काम कराने से पहले आपको पैसे मैं नहीं दूंगा। अगर आप उनको पैसे दे देंगे तो आपको उनके पीछे घूमना पड़ेगा। अगर पहले पैसे नहीं देंगे तो वो आपके पीछे घूमेंगे। इन बातों का आप जरा ख्याल रखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इमिग्रेशन पूरी तरह से बंद है। इमिग्रेशन भाई चालू नहीं है। पहले जो सेटिंग से इमिग्रेशन हो रहा था, अब वो भी पूरी तरीके से इमिग्रेशन बंद हो गया है। क्योंकि मेरा जो है ना, एजेंट से हमेशा बात होते रहता है और उनसे मैं पूछते रहता हूँ कि भाई इमिग्रेशन का कोई अपडेट आया। तो एजेंट बोलता है यही कि भाई इमिग्रेशन का कोई अपडेट नहीं आया है, और जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो भाई इमिग्रेशन अभी नहीं चालू है, कहीं पर भी नहीं चालू है, पूरे ऑल इंडिया में इमिग्रेशन नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इमिग्रेशन कब तक चालू होने का चांस है। तो आप सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि सऊदी में अभी हज का सीजन चल रहा है। जितने भी विदेशी सऊदी शहरी हैं, इन लोग ने कमेटी में, हज के कमेटी में अभी इन लोग बिजी हैं। इन लोग का ध्यान इमिग्रेशन पे नहीं जा रहा है। तो जैसे ही हज का सीजन खलास होगा, बकराईद के बाद, बकराईद अभी आने वाला है, तो बकराईद के बाद जो है कि इमिग्रेशन ओपन होने का चांस है। शायद बकराईद के बाद जो है कि उम्मीद लगाया जा सकता है, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि बकराईद के बाद इमिग्रेशन होगा, होना चालू स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इंतजार कीजिए, हज खलास होने के बाद, बकराईद के बाद इमिग्रेशन चालू होने का पूरा चांस है। इमिग्रेशन बकराईद के बाद चालू होने का पूरा उम्मीद है। अब इसमें एजेंट भी क्या कर सकते हैं, अगर आप एजेंट से काम करा रहे हैं, आधा काम हो गया है आपका और इमिग्रेशन ही सिर्फ आपका बाकी है, तो इसमें एजेंट भी क्या कर सकते हैं, आपको तसल्ली दे सकते हैं। 10 दिन 15 दिन का यही टाइम देंगे वो लोग। जब आगे से ही काम नहीं होता है तो पीछे से काम कैसे होगा। तो एजेंट की भी इसमें कोई गलती नहीं है, आपको झूठ पे झूठ बोलते जाएगा एजेंट, क्योंकि इमिग्रेशन अभी तो पूरी तरह से बंद है। बस वो लोग भी एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई बकराईद के बाद इमिग्रेशन चालू होने का चांस है। तो आप भी इंतजार कीजिए, बकराईद के बाद इमिग्रेशन चालू होने का पूरा उम्मीद। जिस दिन इमिग्रेशन चालू होने का अपडेट आएगा, हमको मालूम पड़ गया कि भाई इमिग्रेशन चालू हो गया है, आधी रात को वीडियो बनाऊंगा। हमारे पास आधी रात को जब अपडेट आएगा तो मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा और सुबह तक आप तक पहुंचा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिन्होंने हमें कमेंट किया है उनका कहना है कि मैं सऊदी में आना चाहता हूं लेकिन मेरा एज कम है, तो सऊदी में आने के लिए एज का कितना रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सऊदी आना चाहते हैं तो आपका एज कम से कम 21 प्लस से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका एज कम है, 20 है, तो आप दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि सऊदी में आने के लिए 21 प्लस से ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। जो लोग सऊदी में आना चाहते हैं, अगर आपका एज 21 प्लस से ज्यादा है तो आप सऊदी में आ सकते हैं। तो बस आज का वीडियो यही पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन
ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाला इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकेगा। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।